तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सलार मूवी के आज डे 4 के अर्ली एस्टीमेट के बारे में। इस मूवी का वर्ल्ड वाइड अर्ली एस्टीमेट आ चुका है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये मूवी आज एक्सपेक्टेड कितना कलेक्शन कर रही है और क्या अर्ली एस्टीमेट निकल कर आ रहा है। इंडिया का भी बताने वाला हूँ, ओवरसीज का भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ऐसे ही, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जो सलार मूवी का पहले 3 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन है वो हो चुका है वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 402 करोड़ रुपए। और आज का इसका अर्ली एस्टिमेट बताने से पहले इस मूवी की आज डे 4 की फाइनल जो है एडवांस बुकिंग देख लेते हैं, आज इसने एडवांस बुकिंग कितनी की है। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को तेलुगु की इस मूवी की एडवांस बुकिंग बताऊं तो वो निकल कर आई है लगभग 9 करोड़ रुपए। मलयालम की बात की जाए तो मलयालम से एडवांस बुकिंग हुई है 22,84,000 रुपए की। और तमिल की अगर बात की जाए तो तमिल से एडवांस बुकिंग हुई है 62,66,000 रुपए की। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से एडवांस बुकिंग हुई है 26 लाख रुपए की। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इस मूवी को 2 वर्जन में रिलीज किया गया है, हिंदी 2D और हिंदी IMAX। तो हिंदी 2D वाले वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो 3,32,00,000 रुपए की हिंदी 2D से एडवांस बुकिंग हुई है। और IMAX की बात की जाए तो 6,31,000 रुपए की वहां से एडवांस बुकिंग हुई है। और तेलुगु IMAX वाले वर्जन की अगर बात की जाए तो 6,91,000 रुपए की एडवांस बुकिंग तेलुगु IMAX से हुई है। टोटल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टोटल इस मूवी की जो टोटल ओवरऑल एडवांस बुकिंग हुई है सारी लैंग्वेजेस की मिलाकर पहले टिकट्स आप लोगों को बता देता हूं, तो टोटल टिकट्स सोल्ड हुए हैं 6,15,692 टिकट्स। और अगर मैं आप लोगों को शोज़ बताऊँ टोटल शोज़ कितने हैं तो टोटल शोज़ हैं इस मूवी के पास आज 15,745 शोज़, जो कि बहुत ही अच्छे शोज़ हैं। आप लोगों को अगर एडवांस बुकिंग कलेक्शन बताऊँ तो आज चौथे दिन का जो इस मूवी का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है सारी लैंग्वेजेस का मिलाकर वो निकल कर आया है 13,64,00,000 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। क्योंकि आज भी जो है आप लोग छुट्टी का दिन ही मान सकते हो, क्योंकि क्रिसमस था इस वजह से आज भी लोगों को छुट्टी थी और इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग इस मूवी की निकल कर आई है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी का आज अर्ली एस्टिमेट क्या निकल कर आ रहा है, कितना ये मूवी आज कलेक्शन करने वाली है। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को इंडिया का बताऊं तो 45 से 50 करोड़ रुपए की जो है अर्ली एस्टिमेट प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो 50 करोड़ ही आप मान सकते हो कि ये मूवी आज जो है वो 50 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है सारी लैंग्वेजेस का मिलाकर। इसको ग्रोस में देखा जाए तो ये लगभग बनेगा 58 करोड़ रुपए। ओवरसीज की बात की जाए तो ओवरसीज का प्रेडिक्शन है 30 करोड़ रुपए का। टोटल ये मूवी जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर रही है अर्ली एस्टीमेट आज वो है 88 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइज, वर्ल्ड वाइड 88 करोड़ रुपए की ये मूवी कलेक्शन कर रही है ग्रोस, जो कि अर्ली एस्टीमेट निकल कर आया है, जो कि बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। यो इस मूवी का अगर इतना कलेक्शन कल ऑफिशियल निकल कर आ जाता है तो जो इस मूवी का पहले 4 दिनों का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाएगा एक्सपेक्टेड वो हो जाएगा 490 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइज, 490 करोड़ रुपए और 500 करोड़ के करीब ये मूवी जो है वो पहुंचने वाली है। और हो सकता है इस मूवी के शोज बहुत ज्यादा आज नाइट के अगर अच्छे चले गए तो हो सकता है ये मूवी आप लोगों को 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल होती हुई नजर आ जाए और इंडिया का कलेक्शन इतना इसका थोड़ा सा ऊपर आ जाए और ओवरसीज से भी हो सकता है थोड़ा सा ये ज्यादा कमा ले। लेकिन अभी तक की जो प्रेडिक्शन है वो है 490 करोड़ तक इस मूवी का पहले 4 दिनों का कलेक्शन जाने वाला है। बाकी मूवी के रिव्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं आप लोगों को हिंदी का हालचाल बताऊं तो हिंदी का कल का ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आया था 21 करोड़ रुपए। और अगर मैं आपको आज की प्रेडिक्शन बताऊं तो आज भी ये मूवी 17 से 18 करोड़ की हिंदी से नेट कलेक्शन करने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छे कलेक्शंस हैं। बाकी मूवी के रिव्यूज 70% पॉजिटिव आए हैं और लोग इस मूवी को बार बार कर देखने जा रहे हैं। और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग भी मिल चुका है जिस तरह इस मूवी ने कलेक्शन किया है, क्योंकि इस मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपए और मूवी ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। बाकी आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ऐसे ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं अगर नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।